चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशली बिहार एसएससी का जो है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके लिए। तो स्पेशली ये नया प्रैक्टिस शीट है, आप याद रखिएगा, थंब लाइन में प्रैक्टिस शीट लगा दिया जाएगा। आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मिलेगा तो उस बुक को आप सामने रखिए और आपका थंब लाइन में मिल जाएगा। ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसे आपको ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे, नले रिकॉर्ड पे टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्योंकि अब मैंने बहुत दिन से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम कर रहा था और कुछ वजह से क्या था कि पीडीएफ वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब से क्या है कि आंसर विथ पीडीएफ रहेगा, आपको आसानी से रहेगा। तो तैयारी करिएगा, बुक से ही सोल्यूशन करवाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर साथ में है, बस आपको मॉक टेस्ट देना है, याद रखिएगा। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो आप जानते हैं भारत रत्न, भारत रत्न ही हमारा भारत का सर्वोत्तम जो है सम्मान है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर इस कलर को रख देता हूँ। आगे चलते हैं, आगे सवाल को आप देख सकते हैं, थोड़े से जूम कर देता हूँ जहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप जानते हैं कि इस ऑप्शन के हिसाब से, अरे एक ऑप्शन तो हट गया है, याद रखिएगा हीलियम गैस, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, एक ऑप्शन हट गया है, ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, सवाल बनता है तीसरा प्रश्न। आप देख रहे हैं सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिलेंडर में आप जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी जाती है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फास्ट चलेंगे, याद रखिए बिहार एसएससी सीजीएल 2024 सब में एग्जाम में आता है, आप जानते हैं, देख सकते हैं। सौर मंडल के कुल कितने ग्रह है? तो सौर मंडल के कुल कितने ग्रह है आप बताइएगा, तो आठ ग्रह है, याद रखिएगा कितने ग्रह है, आठ ग्रह है। चलिएगा कौन कौन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे सवाल बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आप जानते हैं कि गंगा नदी है, दूसरे नंबर पे आप जानते हैं गोदावरी नदी है, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है, याद रखिएगा, जो कि बाहर से आती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, याद रखिएगा, है ना। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पता है, लिवरपूल, लिवरपूल जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? तो किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? तो हाथी के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है, शरीर के हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नौवां प्रश्न की बात करते हैं। तो कौन सा सब्जी खाने से खून साफ करता है? तो कौन सा सब्जी अगर हम खाएंगे, तो पपीता खाइए, खून साफ करेगा, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, दसवां प्रश्न की बात करें, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आप जानते हैं कि इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है 350 होगा, याद किया 300 भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 350 दिया तो 350 होगा, 300 का 300 भी होता है, याद रखिएगा। 300 अगर आंसर रहा तो 300 दीजिएगा, 350 मत दीजिएगा, ठीक है, लेकिन 300 दीजिएगा। और 206 तो हम लोग में है नॉर्मली, आप जानते हैं वयस्क में होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करें हम लोग, तो आप जानते हैं कि 1920 में हुआ था, जानते हैं ना 1920 में, तो याद रखिए 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 12वां प्रश्न की बात करें, तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया? तो भारत ने पहली बार अगर भाग की बात करें, तो आप बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस आंसर को अगर हम देखें तो देखिएगा, हम लोग देख लिए 1934 में, कब 1934 में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही रहेगा, देखिएगा इसका आंसर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। चलिए आगे सवाल बनता है कि आप यहाँ पे देखिएगा, सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सलारगंज जो संग्रहालय है कहाँ पे है? तो आप जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से हैदराबाद में, कहाँ हैदराबाद में, याद रखिएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है कि 14 प्रश्न है, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 71% होती है, मतलब 71% होता है, याद रखिएगा। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो हम जानते हैं इंग्लैंड को कहते हैं, किसे? इंग्लैंड को कहेंगे, ठीक है, इंग्लैंड को कहते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे इंग्लैंड होगा, ठीक है, इंग्लैंड होगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे हैं, तो आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखेंगे, इंदिरा गांधी परमाणु जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी?
तो देखिए स्थापना की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन तो दो ही है, दो ऑप्शन नीचे होंगे, तो जो ऑप्शन में सबसे अंत में है 1971, वही आंसर सही होगा, 1971 में हुआ था। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कब हुआ था, तो 1971 में। चलिएगा 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी, बता सकते हैं? तो आप जानते हैं 1894 में हुआ था, याद रखिएगा, 1894 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलिएगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है ना, अब इसी तरह से आएगा आपका भी ऑनलाइन भी और सब कुछ, और सिर्फ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, और बस उस थंबलाइन में जो किताब लगा रहेगा उस किताब को अगर आप लेके मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है ये सवाल बहुत बार पूछता है, ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, 14 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह हिंदी इंग्लिश दोनों आने लगे, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहा है। तो घना पक्षी अभयारण किस राज्य में स्थित है, तो घना पक्षी अभयारण अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो आप जानते हैं कि राजस्थान में, घना राजस्थान, घना जो है पक्षी अभयारण राजस्थान में है, याद रखिएगा। बहुत सारा और है, सरिस्का भी है ना। आगे चलेंगे, किसवा प्रश्न है, कौन सा ग्रह जो है तारा जो कौन सा ग्रह जो है रात में लाल दिखाई देता है, तो लाल वही दिखाई देगा जो मंगल होगा, तो मंगल जो है लाल दिखाई देता है, आप जानते हैं, है ना, आंसर इसका क्लियर है। 22वां प्रश्न की बात करें, ऊंट कितने समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, तो आप जानते हैं 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है ऊंट, में यही खासियत है। आगे चलेंगे, 23वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो 21 जून जो आने वाला है, 21 जून को, याद रखिएगा, 21 जून को आने वाला है, जून को आने वाला है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 24वां प्रश्न की बात करते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो तांबा धातु का प्रयोग करते थे उस समय, याद रखिएगा, कॉपर का, है ना, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि 25वां प्रश्न क्या है, कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू की गई थी, तो आप जानते हैं कि मुंबई बेंगलोर नहीं, सबसे पहले जब भी चलेगा तो कहाँ चलेगा, कोलकाता में चलेगा, जयपुर भी नहीं, कोलकाता में चलेगा, क्यों, क्योंकि उसी वहीं से शुरू होता है, कोलकाता को ज़्यादा माना जाता है क्योंकि अंग्रेज के समय से ही चलता है, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। 26वां प्रश्न है, भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है, बोस्टन भारत को किस शहर का कहा जाता है, भारत का बोस्टन कहीं, भारत के किस शहर को कहते हैं हम लोग, अहमदाबाद को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, अहमदाबाद को कहते हैं। चलिएगा, 27वां प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत में कितने राज्य समुद्र तल से जुड़े हुए हैं, तो 9 राज्य जो है समुद्र तल से जुड़ा हुआ है। चलिएगा, 28वां प्रश्न की बात करें, तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है, तो लैगून झील ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 29वां प्रश्न की बात करते हैं, तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है ये बता सकते हैं, तो बताइएगा, तो याद रखिएगा, चिल्का झील की अगर बात करें हम लोग, तो चिल्का झील याद रखिएगा हमारा उड़ीसा में है, जो कि मेघालय, और ये तो नहीं है, याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन दिखाना जरूरी था इसलिए मैंने दिखा दिया, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, याद रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा में है, आप जाइएगा पूरी भी जाइए, घूमिए, मस्त कीजिए। और काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो काजू की खेती हो या मसालों की खेती हो, सबसे ज़्यादा हम लोग केरल को मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, 30 क्वेश्चन हो गया है, इसी तरह हम 80 क्वेश्चन आने वाला है, 20 क्वेश्चन आने वाला है, 1 महीने में भी आने वाला है, एनसीईआरटी का 1 महीने जल्द आने वाला है, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ला रहा हूँ। अब आपको ये टेंशन नहीं कि फोटो का वीडियो बना के जो मैं देता था उससे अब नई पीडीएफ बनेगा, अब डायरेक्ट ऐसे ही पीडीएफ बनाया जाएगा डायरेक्ट, और अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा, बुक खाली रखिएगा एनसीईआरटी का, पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए, जय हिंद, जय।